तो गाइस क्या आप भी यहाँ पे जाके अटक जाते हो, माइनक्राफ्ट को साइन इन नहीं कर पाते हो? तो डोंट वरी, आज के वीडियो में लिटरली मैं इसके जो है उपाय मैं बताने वाला हूँ। आज की वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है माइनक्राफ्ट का वो जो है आप लोग वेरीफाइड करा सकते हो। आपका जो कोड नहीं आता ना वो मैं बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे अंदर भाई आपका जो कोड है डेफिनेटली 100% आने वाला है। एंड गाइस आप उस कोड से आप जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है उसको वेरीफाइड भी कर सकते हो, एंड उसके बाद आप जो है साइन इन भी बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए गाइस इस वीडियो को पूरा देखना, मैं लिटरली 100% श्योर मैं बताता हूं गाइस आपका ये प्रॉब्लम मैं फिक्स कर दूंगा। तो इसके लिए गाइस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना पड़ेगा। एंड गाइस मैं ये भी बता सकता हूं गाइस इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप बहुत लकी हो इस वीडियो को क्लिक करके। तो चलो गाइस ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो गाइस मैं फटाफट से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को क्रिएट कर लेता हूँ एंड उस जगह पे जाता हूँ जहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आता है, एंड फिर देखते हैं गाइस क्या होता है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस फटाफट से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने साइन इन के ऊपर क्रिएट कर लिया, एंड फटाफट से गाइस यहाँ पे हम लोग जीमेल देके क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइस चलो फटाफट से मैं यहाँ पे जीमेल को क्रिएट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे गाइस फटाफट से मैं पासवर्ड मांग रहा है पासवर्ड भी दे देता हूँ। गाइस फाइनली वो जगह मैं आ चुका हूँ वेरीफाई ईमेल पे। अभी गाइस चलो मैं ईमेल पे जाके देखता हूँ कि मेरा कोड आया या नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं कितना भी रिफ्रेश मार लूं मेरा यहाँ पे कोड नहीं आता। तो लिटरली गाइस अभी मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को भी अप्लाई करोगे ना लिटरली गाइस आपका कोड यूज चुटकी में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो वो ट्रिक मैंने लगा दिया, यहाँ पे गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा जो कोड है वो आ गया रिफ्रेश करने के बाद। तो चलो गाइस मैं फटाफट से आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है देखो, तो ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बेसिकली ये होता क्या है, क्यों कोड हमारा नहीं आता माइक्रोसॉफ्ट साइन इन का वेरिफिकेशन ईमेल का। तो देखो इसके लिए क्या है ना, तो देखो जो चीज होता है बहुत ही बेकार होता है कि ये मेरे को लगता है ग्लिच हो सकता है। जैसे कि अगर कोई जीमेल ऐसा है जो 18 प्लस नहीं है शायद उस वाले जीमेल पे शायद ऐसा हो सकता है मेरे को जितना लगता है, बट ये ग्लिच है गाइस, ये ऐसा होता है ठीक है। कुछ कुछ जीमेल पे ये ऐसा होता है वेरिफिकेशन कोड बिल्कुल नहीं आता अगर वो जीमेल ज्यादा एक्टिव नहीं है। जैसे कि कोई जीमेल ऐसा हो गया जो काफी एक्टिव नहीं है, बहुत वो बंद पड़ा है, कोई रिप्रेस नहीं कर रहे हो या स्कैन नहीं किया हो, शायद उसी वजह से हो सकता है ठीक है। एंड गाइस यही कारण था। एंड गाइस मैं आपको एक ट्रिक जो बता देता हूँ, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो जो आपका जीमेल है ना जिस पे आप ट्राई कर रहे हो काम करो उस जीमेल को हटा दो। तो आपको जी हाँ गाइस समझ में आ चुका है क्या करना है। अभी आपको एक नया जीमेल आईडी बनाना है, लिटरली गाइस अभी आपको एक नया जीमेल आईडी बनाना है, फिर आपको ट्राई करना है। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ अभी आपका जो कोड है आज गाइस, अभी देखो मैं आपके साथ ट्राई भी करता हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मेरा भी कोड आ चुका है और ये गाइस नया जीमेल है। एंड फिर भी जिन लोगों का नया जीमेल पे भी नहीं आ रहा है ना, देखो वो लोगों को बता दो नया जीमेल बनाने के बाद हो सके आप थोड़ा दो दिन वेट कर लो ठीक है। नया जीमेल पे तुरंत नहीं होता कि तुरंत आपने जीमेल आईडी क्रिएट किया, तो ऐसा नहीं होता। एंड और चीज ट्राई कर सकते हो, अगर आपका कोई और जीमेल आईडी है उससे भी ट्राई कर सकते हो, सबसे बेस्ट और 100% वर्किंग होगा नया जीमेल आईडी पे, तो ये ट्राई करना ठीक है। और एंड हाँ गाइस जिन लोगों का देखो 18 प्लस वाला जीमेल बनाना तो और भी सही होता है, एंड फिर भी जिन लोगों का नहीं होता ना एक काम करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो एंड मेरे को बताओ, मैं आपको कॉल करके बोल दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं आप शेयर करो मुझसे ठीक है ये वाला प्रॉब्लम। तो गाइस आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम का सलूशन मिल चुका है। गाइस एक और चीज गाइस, अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना तो गाइस आप आई बटन में जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो। लिटरली इस वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे प्रॉब्लम को मैं फिक्स करके रखा है, तो आप लोग जाओ इस वीडियो को देखो, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम मैं फिक्स कर दिया है। एंड इस वीडियो को खत्म करते करते मैं थोड़ा और भी मैं ट्रिप्स मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे तो वेरीफाइड तो कर लेते बट एक जगह पे जाके अटक जाते हैं, मतलब ज्यादातर बंदा वहाँ पे जाके अटक जाते, तो वो जगह है यहाँ पे जो है रोबोट का, जो होता है ना रोबोट यू आर नॉट रोबोट, तो इसका कुछ अलग सीन है ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इसके लिए मैं सबसे बेस्ट ट्रिक है ना, सबका सेम नहीं आता ठीक है। तो इसके लिए देखो ऊपर जो लिखा है ना उस लिखा को एकदम उसको अच्छे से पढ़ना, उसको समझना, फिर जाके ट्राई करना, नहीं तो आपका ट्राई अगेन हो सकता है, फिर जाके आपका आईडी क्रिएट नहीं होगा। इसको ध्यान से समझना एंड फिर यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे बहुत सारे बंदे अटक जाते हैं, इसको पढ़ना ध्यान से फिर आपको करना है ठीक है, इसको समझना है। देखो मेरे को आया है कि जो है एक स्क्वायर के अंदर दो एक सेम जैसा ऑब्जेक्ट ढूंढना है उसको क्लिक कर, तो ये बहुत हार्ड है ना, मतलब एक ही सिंबल एक ही फोटो में होगा, एक फोटो में जो है ना दो सिंबल उसको क्लिक कर। गाइस ये नहीं घबरा गया था, तो यहाँ पे देखो लास्ट पे आपको एग्जांपल भी दिखाएगा कैसा है, तो आप लोग इजीली ट्राई कर सको। यहाँ पे मैं खुद एक बार अभी नया चीज आया था ना, मैं खुद भाई कंफ्यूज हो गया था, बट अगर फिर भी जिन लोगों का और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को नीचे कमेंट करो, सबसे बेस्ट आप डिस्कॉर्ड आओ मेरे को डीएम कर दो, मैं आपको जब भी मैं आपका डीएम चेक करूंगा
लूंगा, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा, या हो सके तो मैं किसी बुला के आपका प्रॉब्लम को मैं 100% सॉल्व कर दूंगा, आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। तो चलो गाइस आज के लिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो थैंक यू सो मच, एंड गाइस अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच फॉर गाइस 100K सब्सक्राइबर। एंड चलो गाइस एक और चीज मैं बता देता हूं गाइस, देखो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया ना लाइक करो, क्योंकि लाइक से बढ़ता है हमारा, अगर एक लाइक करोगे तो 500 लोगों के पास चला जाएगा, और ये एक हेल्पफुल वीडियो है। तो जिन लोगों ने अभी तक साइन इन नहीं करा पा रहे हो ना इस चीज के लिए, तो प्लीज उन लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दो। एंड चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।